सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हुआ है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि भारत देश में अगर राज्य परिषद के किसी अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला आगमन है तो वो महाराष्ट्र प्रदेश में नड्डा जी का है। आज महाराष्ट्र की इस धरती पर हम सब उनका बहुत स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ये पहला राज्य परिषद अधिवेशन है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, जनप्रिय नेता और महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, क्षमा सहित मंच पर आसीन केंद्रीय मंत्री, समस्त केंद्रीय मंत्रीगण, समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, महाराष्ट्र प्रदेश के समस्त नेतागण यहाँ पर उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र का ये परिदृश्य आज का जो बैठक है, इसके पहले जब जब मैं आपकी बैठक में उपस्थित हुआ करती थी हम सरकार में थे। आज का ये परिदृश्य बदल गया है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि जीत और हार हमने हमेशा देखा है, लेकिन अपने विचार के संघर्षों को हम हमेशा आगे लेकर बढ़े हैं। इसलिए आज इस बात को यहां से हम राज्य परिषद की अधिवेशन में तय करके जाएंगे कि जब हम अगली बार बैठेंगे तो जिन्होंने हमारे जनादेश का अनादर किया है उनको हम इस बार धरती पर उतार के लाएंगे। जनादेश हमें मिला था, हम जनादेश का सम्मान करना चाहते थे, हर विषयों पर बात स्पष्ट थी, लेकिन महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं होता है। शायद ये महत्वाकांक्षा जनादेश पर भारी पड़ी है। महाराष्ट्र हमेशा लोगों को रास्ता दिखाने का माध्यम रहा है, चाहे वो वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करें, चाहे अन्य विषयों पर करें। इस वर्ष महाराष्ट्र के ही श्रद्धेय स्वर्गीय लोकमान्य तिलक जी की स्मृति शताब्दी वर्ष है, और इसके साथ ही साथ इस वर्ष लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष है। लोकमान्य जी का स्मृति शताब्दी वर्ष है। भारत की राजनीति में उनको असंतोष का जनक कहा जाता है। उन्होंने लोगों को, उनके विचारों को, उनके असंतोष के साथ में जनता के बीच में उनकी उपेक्षाओं को जनता के सरकार के समक्ष लाया, अपने असंतोष को प्रकट करने का एक नया तरीका सिखाया। उसी प्रकार से हमारे उपेक्षितों की जो वेदना है उसको अन्नाभाऊ साठे जी ने लगातार लगातार उठाया है। आज हम इन अपने महानुभावों के विषयों को लेकर संकल्प करके जाएंगे। बंधुओं, मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हम इस भाव के साथ में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। जो लोग आज सरकार में हैं और जिस प्रकार के निर्णय कर रहे हैं, अपनी विचारधारा से अलग हटकर निर्णय कर रहे हैं, जनता आने वाले समय में उन्हें देख रही है, समझ रही है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम इन विषयों को लेकर जब धरती पर उतरेंगे जनता हमारे साथ चलेगी। जनता ने हमें जनादेश दिया था। कुछ विषय बदलते हैं। मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि यह परिदृश्य बदला है, लेकिन इस परिदृश्य को बदलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में होती है, और यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो महाराष्ट्र के इस दृश्य को फिर से बदलकर एक बार फिर हमारी सरकार बनाएगा।
हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने विचार के साथ चलने वाले लोग हैं और संगठन हमारा मूल है। हमने हमेशा संगठन के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित है तो वो संगठन के कारण है। हमारे संगठन के नेता, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे बीच में विराजमान है। एक सरल सहज व्यक्तित्व जिन्हें संगठन को गढ़ने का अद्भुत अनुभव है। हम उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र को भी इस प्रकार की परिस्थितियों में ढालेंगे कि आने वाला समय उनकी अगुवाई में लगातार लगातार आगे बढ़ेगा। हम अपने विचार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में एक ऐसा मजबूत नेतृत्व है जो कि आने वाले समय में संगठन को और भी सांगठनिक कौशल से गढ़ेंगे। मेरा विचार है कि हम सब इस परिदृश्य को बदलने के लिए आज के इस अधिवेशन में संकल्पित होकर जाएंगे। मैं आज इसी विषयों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।